नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार के तमाम विधायकों को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवनिर्मित जो आवास है वो आवंटित किया है। सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी हो या फिर अशोक चौधरी, तमाम यहां पर मंत्री मौजूद थे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जितने भी विधायक हैं उनको जो चाबी है वो भेंट की है। वहीं आपको हम बंगले के भी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यही वो आवास है जिन्हें तमाम जो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं यानी कि विधायक हैं उन्हें आज दिया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों के द्वारा। आपको बता दें कि इससे पहले भी तमाम जितने भी विधान परिषद के सदस्य थे उन्हें भी ये बंगला जो है वो दिया गया था। ऐसे में आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही नवनिर्मित जो आवास है उसे आज तमाम जितने भी विधायक हैं उनको दिया गया है। और इस कार्यक्रम में तमाम बिहार सरकार के जो मंत्री थे वो भी मौजूद थे। आपको हम अंदर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो फुल फर्निश्ड बंगला जो है वो तमाम विधायकों को दिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब मीडिया कर्मियों ने बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। माइक लगा लीजिए ना, आप सब लोगों को मालूम हो गया। माइक लगा लीजिए ना, अरे किधर है भैया, क्या रहा है 2011 में और 12 में 13 में इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने किस तरह का प्रतीक बनेगा ये हम लोगों ने विधानसभा के परिसर में लगा दिया था कि ताकि सब लोग सुझाव दें, सलाह दें, कैसा ये बनना चाहिए, ये सब करके उसके बाद जल्दी शुरू किया जाए। लेकिन जो लोग पहले रह रहे थे रह सकते हैं तो सब कुछ तय किया गया उसके बाद हुआ। और बीच में जब उसके बारे में टेंडर भी हुआ तो कई तरह की कठिनाई थी और बाद में फिर कोई कोर्ट में भी चला गया था। कौन निकल रहा है, आराम से खड़ा रहो। तुम पुराना हम लोगों का इसलिए सब कुछ हो गया तो उसके बाद सब निर्माण शुरू हो गया। लेकिन जितना तेजी से होना चाहिए था नहीं हो रहा था तो हमको बड़ा तकलीफ था। हम बहुत बार आकर के कहते रहे कि मैं इसको तेजी से करूँ। हम लास्ट ईयर भी आकर के हम एक बार देख कर गए तो वही अब हो गया है इतना कम से कम 65 का और वहाँ पे पहले ही से हमने कर दिया था। मेरे ख्याल से 19 में ही विधान परिषद का 45 55 नीचे कीजिए ठीक है। मेरे आगे बहुत लोग हैं, तुम पीछे कर दो। अरे यार सिर्फ 65 होना है 243 और ये सब तोड़ दे रहे हैं। पहले से इसके लिए नियम है बिल्डिंग जो होगा वो आराम से रखो यार। बंद हो गया मोबाइल के लिए और उनको वो मिलेगा जैसे ही आएंगे वो इसमें रहेंगे। अगर उसमें से कोई और लोग हो गए जिनको अन्य जगह मिला तो ये पहुंचो ना तुम भाई, दूसरे को नहीं जितने विधायक सब लोगों के लिए एक एक बिल्डिंग तय रहेगा कि जब भी जो भी होगा उस स्थान से उन्हीं को मिलेगा वो जगह। तो इसके लिए अच्छा होगा कि और तेजी से करके इसको हो जाए तो बड़ा नहीं तो वही तो हमसे तो क्वेश्चन हमने तुरंत थोड़ा खबर गई कहा गया है तब कहा गया है कि नहीं सब देख के
सब लोगों को आने में दिक्कत नहीं। धन्यवाद सब बात किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी नदी के किनारे सब लोग ठीक ढंग से ठीक है। तो आपने साफ तौर पर सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तमाम विधायकों को नवनिर्मित जो आवास है वो आवंटित किया है और सभी विधायकों को उन्होंने जो चाबी है वो दी है। अंदर की भी आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, आप अंदर की भी तस्वीर देख सकते हैं कि यही वो आवास है जहां पर अब जो विधायक हैं वो रहेंगे और ये फुल फर्निश्ड जो आवास है वो तमाम विधायकों को दिया गया है। अंदर ऑफिस रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है और तमाम जितने भी बेडरूम हैं, ड्राइंग रूम है, ये बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं कहें तो करोड़ों रुपए की लागत से जो आवास विधायकों के लिए बनाया गया था उसे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सौंप दिया है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।